पूरे मेले का व्यू कुछ इस तरीके का होने वाला है। ये जो मेला रहने वाला है निहाल विहार में रहने वाला है और इसकी लोकेशन, इसकी टाइमिंग, इसकी टिकट, इससे रिलेटेड सारी जो भी चीजें होती है फुल डिटेल में आपको इस व्लॉग में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो इस व्लॉग को एंड तक देखें। तो इसी के साथ इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो नवरात्रि का मेला चलने वाला है 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक, और इसकी जो लोकेशन होने वाली है वो है दशहरा ग्राउंड ज्वालापुरी पुल के पास निहाल विहार। निहाल विहार के मेले में आने के लिए आपका नियर मेट्रो स्टेशन उद्योग नगर रहने वाला, गेट नंबर 1 से आप एग्जिट मारोगे, यहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएंगे। यहाँ से आप 10 रुपये सवारी लेके, आप 10 रुपये सवारी लोगे, बोलोगे निहाल विहार मेले में छोड़ देना, तो वो छोड़ देंगे आपको निहाल विहार मेले में। तो ये हम एंट्री गेट पे एंटर कर चुके हैं, देख सकते हो एंट्री का कुछ इस तरीके का होने वाला है, आप लोग चेक कर सकते हो। देखो एंट्री कुछ इस तरीके की रहने वाली है, और मेरे राइट हैंड में आपको ये जॉइंट व्हील दिख जाएंगे, जॉइंट व्हील की लाइट्स वगैरह आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात रहते हैं यहाँ जगह। दोस्तों ये आपका मेन गेट है, यहाँ से आप एंटर हो गए तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड पे मिल जाएगी कार पार्किंग, बाइक पार्किंग। जो बाइक की पार्किंग का चार्जेस है वो 20 रुपये, और जो कार की पार्किंग का चार्जेस है वो है रहेगा 30 रुपये। दोस्तों यहाँ से हो जाती है आपकी एग्जैक्ट एंट्री, यहाँ से आपको ये जो सिक्योरिटी काउंटर दिख रहा है इससे आपको अंदर जाना पड़ता है। अभी अंदर लेके चलते हैं आप लोगों को। दोस्तों आपको वहां से एंट्री करने के साथ ही आपको दिख जाएगा यहाँ पे रामलीला मंच, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सिस्टम है, पीछे जो पब्लिक है वो बैठ सकती है, और जो आगे का सिस्टम है वो पास के थ्रू आप जा सकते हो आगे की ओर वहां से, लेकिन आपको पास लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक समेटी बैठ जाती है, वहां से आपको पास लेना पड़ता है और वो कुछ लोगों को मिलता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीसीटीवी की निगरानी रखी जा रही है पूरे मेले की, तो आप लोग ये चीज भी देख सकते हो, सिक्योरिटी काफी बनी होगी यहाँ पे। और एक और चीज मैं बता दूं आप लोगों की, नीचे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मट्टी है, मतलब यहाँ पे दरी वगैरह कोई सिस्टम नहीं बिछा रहा है यहाँ पे, लेकिन जो अपना जॉइंट व्हील वगैरह झूले वगैरह है उस साइड नीली मैट बिछा रखी है। तो रामलीला मंच जहाँ पे है वहाँ पे मिट्टी है, बट लेकिन दूसरी साइड पे आपको मैट वगैरह मिल जाएगी। रामलीला मंच आप देख सकते हो काफ़ी ह्यूज रहने वाला है, यहाँ पे काफ़ी पब्लिक आ जाती है रात तक, इसका स्टोरेज काफ़ी बड़ा, आप लोग चेक कर सकते हो इन चीज़ों को। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रामायण का प्रोग्राम कब का स्टार्ट हो चुका है, पब्लिक आप देख सकते हो घूम के। एंट्री रहने वाली है रामलीला मंच की और रामलीला ये जो मेले की, दोनों की एंट्री बिल्कुल फ्री ही रहने वाली है। और जो रामलीला के जो स्टार्ट होने की जो टाइमिंग है वो रात के 8:30 बजे से रात के 12 बजे तक चलने वाला है, जो इसकी टाइमिंग है। बाकी आपको मेला एक्सप्लोर करते हैं, मेले में जो जो चीज़ें हम आपको सारी डिटेल देंगे। तो पूरे मेले का व्यू कुछ इस तरीके का होने वाला, आप लोग चेक कर सकते हो, जितने भी जॉइंट व्हील हैं और जितने भी स्विंग्स वगैरह हैं सारे आपको इस कैमरे में आपको दिख जाएंगे। दोस्तों इस मेले में आपको मिलने वाले हैं 20+ झूले, आप लोग देख सकते हो इतना बड़ा ये शानदार मेला रहने वाला है निहाल विहार का। भाई साहब 20+ झूले आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेंगे, प्लस में रामलीला मंच भी आप लोग यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, रात को रामलीला देख सकते हो। रामलीला मंच के बाद आप लोगों को मेले की एंट्री यहाँ से हो जाएगी, यहाँ पे आपको एंट्री करते हैं, यहाँ पे राइट साइड में दुकानें मिल जाएंगी, लेफ्ट साइड में दुकानें मिल जाएंगी, बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, मैं वन बाय वन आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो यहाँ पे आपको पापड़ मिल जाएगा 10 रुपये के, 3 पीसेज रहने वाले हैं इसके अंदर। तो यहाँ से हम चलते हैं लेफ्ट की तरफ, फिर लेफ्ट से घूम के आपको पूरा का पूरा एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे आपको आइसक्रीम वगैरह भी मिल जाएंगी जिनके प्राइजेस 10 से स्टार्ट होने वाला है, 10, 20, 30, बाकी आप जितनी महंगी ले सको। तो ये बच्चों का झूला रहने वाला है, नाव है, ये पानी में बच्चे लोग चलाते हैं, इसका जो प्राइस है वो रहने वाला है 50 रुपये पर बच्चा, क्योंकि एक नाव में एक ही बच्चा बैठता है, तो इसका प्राइस रहने वाला है 50 रुपये। आपको ये दिख जाएगी बच्चों की जो ये ट्रेन ड्रैगन ट्रेन होती है, इसका प्राइस 50 रुपये रहने वाला है। आप चाहो तो अपने बच्चों को सुला सकते हो यहाँ पे, एक ट्रेन पे 2 बच्चे बैठ सकते हैं, मतलब एक सीट पे, तो अवेलेबल है, आराम से आप लोग बच्चे अपने को सुला बिठा सकते हो और सुला सकते हो।
दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी दुकानें खाली पड़ी है जो फिलहाल लगी नहीं है। वैसे तो हर साल भर जाती है, वैसे इस समय थोड़ा लेट हो रहा भरने में, शायद थोड़े दिनों में भर जाए ये दुकानें। आप ये देख सकते हो बच्चों के जंपिंग के लिए होता है, यहाँ बच्चे अंदर घुस के फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, उछालते हैं। आप लोग देख सकते हो इसका प्राइस रहने वाला है 50 रुपये पर बच्चा। यहाँ आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी बच्चों के खिलौने से रिलेटेड, आप लोग ये भी चीज़ें खरीद सकते हो आराम से। आपको ये 2-3 दुकानें मिल जाएंगी, फिलहाल के लिए आज बंद है पता नहीं क्यों, लेकिन ये चालू हो जाएंगी, कल में चालू हो जाएगी। दोस्तों आप लोगों को ये दिख रहा होगा मिक्की माउस, जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा झूल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, इसका टिकट रहने वाला है 50 रुपये। आप लोग अपने बच्चों को यहाँ पे झुला सकते हो आराम से। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा रॉयल स्वीट ड्रैगन ट्रेन, इस पर क्या होता है बच्चे और बड़े सभी झूल सकते हैं। ये वहाँ से लेके वहाँ तक ट्रेन रहने वाली है और इसका टिकट मात्र होने वाला 80 रुपये का। उसी के आपको आगे मिल जाता है कोलंबस का टिकट भी 80 रुपये रहने वाला है, उस पे भी बड़े बच्चे हर कोई झूल सकता है। उसके आगे आपको मिल जाता है जॉइंट व्हील, आप देख सकते हो इतना बड़ा जॉइंट व्हील है भाई साहब, बहुत बड़ा रहने वाला है यहाँ का जॉइंट व्हील, और इसका प्राइस रहने वाला है मात्र 100 रुपये पर पर्सन। लेकिन दोस्तों एक चीज नोट कर लेना आप लोग, दशहरा आने पे इन सब के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों इस मेले में आपको 3 कोलंबस मिल जाएंगे, जिसमें से 2 कोलंबस बड़े हैं और 2 जॉइंट व्हील मिल जाएंगे, जिसमें से दोनों के दोनों बड़े हैं। तो सबका प्राइस सेम रहने वाला है, जितने भी जॉइंट व्हील है उनका प्राइस 100 रुपये और जो कोलंबस है इनके प्राइस 80 रुपये रहने वाले हैं। ये कोलंबस हो गया आपको, एक वो कोलंबस गया था, जॉइंट व्हील हो गया, एक जॉइंट व्हील आपका ये हो गया। दोस्तों ये मिल जाएगा आपको न्यू सानिया सांस्कृतिक नृत्य कला केंद्र गोरखपुर, यहाँ पे जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह होते हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई जाएंगी। आप लोग देख सकते हो इसके अंदर डांस हो रहा है, पर्दा लगा रखा है अभी, इसका टिकट प्राइस भी 50 रुपये रहने वाला है। दोस्तों आप लोग ये झूला देख सकते हो, इसका जो प्राइस रहने वाला है वही 50 रुपये रहने वाला है पर बच्चे का, तो आप लोग अपने बच्चों को इस पे भी झूला सकते हो। दोस्तों ये है आपका ब्रेक डांस, आप लोग देख सकते हो इस पे जो झूले का प्राइस है ये 80 रुपये पर पर्सन रहने वाला है, आप लोग चेक कर सकते हो। इस पे ये राउंड पूरा घुमाता है, पूरा राउंड कर देता है और पर पर्सन इसका प्राइस रहने वाला 80 रुपये। आप लोग इस झूले को भी जरूर चेकआउट मार सकते हो अगर आप एडवेंचर करना कुछ चाहते हो तो। दोस्तों आपको इस मेले में 4 मिक्की माउस देखने को मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। 2 तो मेरे सामने हो गए, एक मेरा लेफ्ट हैंड पे हो गया, एक मेरा राइट हैंड पे हो गया, सभी के प्राइस सेम रहने वाले 50 रुपये, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों आपको एक ये ईगल वाला झूला देखने को मिलेगा, जिसमें सारे के सारे बाज बने हुए हैं, जो झीले की जो मतलब जो डब्बा है वो पूरा बाजों का बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो, और ये सोकर की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं। इनका जो प्राइस रहने वाला है वो है 100 रुपये प्राइस पर पर्सन। इस पर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स बच्चों के साथ आके इस जो झूले को इंजॉय कर सकते हो। देखो बेहद ही ऊपर है, देखो एक झूला ऊपर जा चुका, दूसरा भी जा चुका है ऊपर, अब तीसरा भी जा रहा है, मतलब धीरे धीरे ऊपर नीचे होने लगते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे तकिए दिख रहे होंगे, तकिए मतलब बच्चों के तकिए जो होते हैं, खिलौने वगैरह, टेडी बियर वगैरह, और यहाँ पे गर्ल्स वगैरह जो होते हैं जो आराम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हो इजीली अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स बच्चों के लिए जो भी है। आपको आइसक्रीम काउंटर यहाँ पे हर जगह देखने को मिल जाएंगे और भी खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे मिलती रहती हैं, आपको बीच बीच आपको मिलती रहेंगी सारी की सारी चीज़ें। दोस्तों एक ये है आपको दिख जाएगा बच्चों का झूला, इसका जो प्राइस रहने वाला है 50 रुपये, आप लोग चेक कर सकते हो, मछली टाइप का है और झूला लगा रखा है, 50 रुपये इसका टिकट प्राइस रहने वाला है, आप अपने बच्चों को इस पर झुला सकते हो आराम से। दोस्तों ये वाला है लक्ष्मी एम्यूजमेंट सुपर ड्रैगन ट्रेन, जो ये इसका प्राइस थोड़ा सा हैवी होने वाला है, लाइक उसका जो मैंने आपको पिछली जो ड्रैगन ट्रेन दिखाई थी उसका 80 रुपये था, लेकिन इसका 100 रुपीज प्राइस रहने वाला है। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा क्राउड कम है, संडे के दिन और दशहरा के दिन यहाँ पे क्राउड जम के होता है। तो आपको ये मिल जाएगा भूत बंगला देखने को, यहाँ पे आप अंदर जाओगे तो आपको भूत बन के बंदे डराते हैं, यहाँ पे नहीं कि आदमी होते तो भूत बन के आपको पकड़ते हैं, तो वो बिल्कुल एनवायरनमेंट हॉरर वाला होने वाला है। इसका प्राइस जो रहेगा वो 50 रुपये टिकट प्राइस रहने वाला है। अगर आप लोग एडवेंचर करना चाहते हो तो इसके लिए अंदर बहुत जरूरी है आपका जाना, क्योंकि आप फेस कर पाओगे जो एक्चुअल में जो भूत बंगला होता है। आप लोगों को अगर मेले में प्यास लग जाए या पीने का मन करे पेप्सी वगैरह तो आप लोग यहाँ से पी सकते हो, इसका प्राइस रीजनेबल ही रहेगा, जो ऐप का बाहर प्राइस रहता है उससे 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आप लोगों को मिल जाएंगी, जैसे कि मेरे हाथ में आप देख सकते हो चाउमीन 10 रुपये की है, और इतना प्राइस नॉर्मली है यार, इतना हैवी नहीं है कुछ भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर लोगों को ये ब्लॉग
पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।